लाउडली दियो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर हामिद अली इंजीनियर, मुस्लिम यूथ लीग का तेलंगाना का सदर। हमारा जो है यूनियन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से है। आज हैदराबाद में ये देखा जा रहा है कि कुछ एक्सपो के नाम पे जो है कुछ मस्खरे को बुला लिए मुंबई से, उन्हें आके अपना मस्खरापन कर रहा, और जो है कोई एक्ट्रेसेस को बुला के रखे, रमज़ान का तमाशा बना के रखे हुए। रमज़ान का महीना और ये स्पेशली ताखरात जो है ये इबादत के दिना है, ऐसे रातों में जो है ये एक्सपो लगाना और जो है बाजू में वो खाने का भी कुछ प्रोग्राम रखे बाजू के फंक्शन हॉल में भी, तो ये जो चीज़ किए जा रहे हैं ये रमज़ान के दिनों को जो है ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं हमारे जाफ़र पाशा साहब के स्टेटमेंट से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो कहा है कि ये मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे जो मशहूर क्रिकेटर है, जो भारत के जो है कैप्टन रह चुके हैं, उनके घराने से जो है ये चीज़ का आगाज़ किया गया है, तो मैं उनको जो है गुजारिश करना चाहूँगा कि और उन्हीं के ही घराने से जो है एक मशहूर टेनिस प्लेयर है, जो वो भी इस चीज़ में जो है मुलविज़ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है मुस्लिम यूथ लीग और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इसके ख़िलाफ़ है। हम ये चीज़ों को रोक लगाने के लिए सिटी पुलिस साहब से गुजारिश करेंगे, रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले रमज़ान में ऐसे तरीके के एक्सपोज को रोका जाए और ये चीज़ों को जो है बढ़ावा ना दे। इससे मुसलमानों का नाम ख़राब हो रहा है और हम मुसलमानों का नाम ख़राब होने के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसा कि देखा जा सकता है कि ताखरात भी शुरू हो गए हैं और अब ये जो है आज जुम्मतुल विदा है, मैं समझता हूँ तीसरी ताखरात हमको कली लग कर गई है, और ये ताखरातों में इस तरीके से जो है एक्सपो लगाकर नमाजें छूट जाना, तरावी छूट जाना, तहज्जुद छूट जाना, फजर छूट जाना, और हमारे लोग सारी रात शॉपिंग करते करते जाके सो जा रहे हैं, वो फाखर है कि क्या फ़ायदा ऐसे रमज़ान का। तो मैं इस तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से, खुसूसी बहनों से कहना चाह रहा हूँ कि ये एक्सपो का बॉयकॉट करें, एक्सपोज में जाना बंद करें, क्योंकि ये एक्सपो जो है आपको बेहाई की तरफ लेकर जा रही है, बेशर्मी की तरफ लेकर जा रही है, और आपको ये महीना अल्लाह की तरफ से मिला है, ये महीने का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ये फ़ायदा उठा के जो है अपनी इबादत को पूरा मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।